क्लास टेंथ मैथ्स चैप्टर सेवन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति एक्सरसाइज 7.2 का सेवेंथ क्वेश्चन कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है तथा बी के निर्देशांक 1 और 4 हैं। बेटा अपन को ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल हूज सेंटर इज 2-3 एंड बी इज 1 और 4। देखिए बेटा किस तरह से इसमें मध्य बिंदु सूत्र का हम इस्तेमाल करेंगे। आपके पास एक सर्कल है और इस सर्कल का डायमीटर यानी व्यास जो केंद्र से होकर गुजरता है बेटा, और केंद्र यहां से लेकर यहां तक जो रेडियस होता है, जो त्रिज्या होती है, वो बराबर दूरी की होती है। तो यहां से जितनी दूरी ये होगी उतनी दूरी ये होगी। बोल रहा है ए बी व्यास है, ए बी वृत्त का व्यास है। माना जो केंद्र है वो ओ है और ओ का आपको निर्देशांक दे रखा है 2 और -3। साथ के साथ आपको बी के निर्देशांक भी आपको दे रखे हैं, 1 और 4 बी के कोऑर्डिनेट्स। ए के कोऑर्डिनेट हम मानकर चलेंगे एक्स और वाई। बस इस तरीके से आपको इतना मानना है। अब आप यहां पर इसे मध्य बिंदु सूत्र से सॉल्व करेंगे। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे कि माना ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है, इसलिए ओ के निर्देशांक हो जाएंगे 2 और -3। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसके लिए, लेट ओ इज अ सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है, देयरफॉर ओ 2 और -3 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब आप यहां पर लिख दीजिए कि मध्य बिंदु सूत्र से, क्यों लगा रहा हूं मध्य बिंदु सूत्र वो भी बताता हूं। मध्य बिंदु सूत्र यानी मिड टर्म मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। बेटा मिड पॉइंट फॉर्मूला होता क्या है वो भी, मिड पॉइंट फॉर्मूला याद रखिएगा, जब इस तरीके से दो लाइनें और केंद्र में हो, बिल्कुल किसी भी रेखा के बीच में, रेखा को 2 बराबर भागों में यदि कोई रेखा काटती है तो आपको अनुपात ना भी दे रखा हो तो 1:1 ही होता है। और ऐसी कंडीशन में आप बिल्कुल सिंपल लगा देते हैं, क्या होता है मध्य बिंदु फॉर्मूला, ओ के निर्देशांक होंगे एक्स और वाई, और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, x1+x2/2, y1+y2/2। ये बस आपको लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पर ओ के निर्देशांक आपको दे रखे हैं कितने, 2 और -3 बराबर x1 कितना है बेटा x है प्लस 1/2, y1 की जगह y+4/2। बेटा x का मान ये रहा, y का मान ये रहा, x का मान ये रहा, y का मान ये रहा, दोनों को एक दूसरे के सामने आमने सामने रखते हैं, 2 को मैं 2 के नीचे 1 लगा रहा हूं और x+1/2। ठीक है बेटा, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 दूनी बन गया 4, तो x+1 इसको इससे गुना करने पर और 2 दूनी बन गया 4, तो x का मान आ गया आपके पास में 4-1 यानी x=3। ठीक है बेटा, और सेकंड आपके पास में हो जाएगा कि -3/1 लगा दिया, y+4/2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो y को 1 से गुना किया इससे, तो y+4 का 4 रहा, 3 दूनी -6, y = -6-4। बेटा प्लस का 4 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो y का मान आपके पास में आ गया क्या, -10। तो a के निर्देशांक क्या होंगे, इसलिए a के निर्देशांक इंग्लिश में क्या लिखेंगे, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ a इज x का मान पहले 3, y का मान -10, यही आपका आंसर रहेगा। समझ गए बेटा, बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, नोट कीजिए, जय हिंद।